सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ गैलेक्सी J7 प्रो के ओरियो अपडेट के बारे में। तो गाइस, रिसेंटली मैंने अभी गैलेक्सी J7 प्राइम के ओरियो अपडेट के बारे में वीडियो पोस्ट करी थी, एंड आप लोगों ने बड़े सारे कमेंट करके पूछा यार J7 प्राइम के बारे में तो हमें पता चल चुका है, लेकिन J7 प्रो का ओरियो अपडेट आएगा या नहीं आएगा और कब तक आएगा उसके बारे में एक हमारे को अपडेट दे दो। तो गाइस, मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए एक वीडियो बना ही देता हूँ, क्योंकि गैलेक्सी J7 प्रो के लिए बहुत जल्दी ओरियो का अपडेट फाइनली आने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर एडो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कि जैसे कि आपको पता होगा, मैं अपनी लाइक जितनी मैंने वीडियोस बनाई है ओरियो अपडेट के ऊपर, तो मैंने हमेशा उसमें मेंशन करा है कि जो हमारा J7 प्रो है वो एलिजिबल है ओरियो अपडेट के लिए। एंड जब भी आप लोग पूछते हो यार कब तक आ जाएगा, क्योंकि अभी जैसे आप लोगों को पता है इसके अंदर वही हार्डवेयर है जो कि J7 प्राइम के अंदर है, लेकिन J7 प्राइम के अंदर नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा, मतलब आपके बड़े सारे क्वेश्चन हैं। एंड जो मेन क्वेश्चन वही है कि कब तक आएगा और कैसे होगा। तो गाइस, जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड देता हूँ, कोई घुमा फिरा के नहीं देना चाहता, तो जो इसका अपडेट आने वाला है वो है अगस्त के अंदर या फिर सितंबर के अंदर। तो गाइस, सितंबर अगस्त के अंदर आपको J7 प्रो के लिए ओरियो अपडेट देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस, ओरियो अपडेट इसके लिए शायद एक लास्ट अपडेट होगा जो कि मेजर अपडेट होगा। बेसिकली गाइस, इस फोन के लिए वैसे भी एक ही अपडेट आया है अब तक जब से ये मैंने लिया है, तो उन्होंने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही अपडेट दिया, जिसकी वजह से जो इसका पैच लेवल होता है सिक्योरिटी का वो 1 दिसंबर का हो गया था। एंड गाइस, अगर मैं आप लोगों को और चीज़ दिखाऊँ, जैसे इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं आपको जो एंड्रॉयड 7.0, तो गाइस ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर तो नहीं है। एंड अभी जैसा आपको पता होगा एंड्रॉयड 8.0 ओरियो भी 1.5 साल पुराना, 1 साल पुराना हो ही चुका है। एंड्रॉयड पी जो है आने वाला है गूगल IO 2018 के अंदर, वो भी अनाउंस हो जाएगा। तो गाइस, इसलिए जो है ये सॉफ्टवेयर कोई इतना ज़्यादा नया नहीं है। नूगट के ऊपर 2 साल पुराना सॉफ्टवेयर आप मान के चलिए हो चुका है, तो इसलिए जो है ओरियो आपको मिलने का जुलाई या अगस्त के अंदर, और सितंबर के अंदर नहीं मिल सकता, 3 महीने मान के चलिए, 3 महीने में से कभी भी आ सकता है आपके फ़ोन के लिए। एंड गाइस, लास्टली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैसा रहेगा अपडेट। तो गाइस, कैसा रहेगा उसके ऊपर तो यही है कि जो आपका अपडेट होगा J7 प्रो का वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो आपको विजुअल चेंजेस है वो देखने को मिलेंगे, जो कि इसके आपको आइकन है वो चेंज हो जाएंगे और वो हो जाएंगे गैलेक्सी S9 जैसे। जैसे आपको बताओ गैलेक्सी S9 के अंदर आपको जो भी मैसेजिंग एप्लीकेशन का जो आइकन होता है वो चेंज है, डायलर का चेंज है, तो गाइस ये सारे आइकन चेंज हो जाएंगे। बाकी आपको जो है सॉफ्टवेयर तो नया मिलेगा, साइज साथ जो एनहांसमेंट होगी और जो आपका फ़ोन है थोड़ा बहुत शायद फास्ट हो सकता है, बट गाइस मैं वहाँ पे सैमसंग के ऊपर हमेशा शक ही करता हूँ, क्योंकि जो सैमसंग है वो अपने जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो पोर्ट करता है बड़े डिवाइसेस से छोटे फ़ोन्स के लिए, तो उस वजह से लैगिंग इशू होता ही होता है। J7 प्राइम के साथ भी वैसे हुआ, तो शायद इसके अंदर अगर वैसा होता है तो मैं तो इसको वापस रिवर्ट कर दूंगा नूगट के अंदर ही। देखते हैं हमारे इस कैसा होता है ओरियो अपडेट। बाकी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी कब आने वाला है ओरियो अपडेट फॉर द J7 प्रो। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई सा भी कमेंट इस टाइम चल रहा हो, कोई सा भी क्वेश्चन चल रहा हो, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको आंसर कर दूंगा। एंड मिलता हूँ इसकी वीडियो के अंदर। टिल द टाइम, रेस्ट गाइस।